तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं स्मार्ट व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो डेली ऑब्जर्वेशन का व्लॉग है और हम थोड़ा चंडीगढ़ का मुआयना लेंगे। एक्चुअली दो दिन से बारिश हो रही थी इसलिए तो मैं व्लॉग नहीं निकाल पा रहा था और दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, मतलब मौसम अच्छा हो चुका है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ में काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। अब थोड़ी बारिश पड़ चुकी है तो दो दिन से राहत मिली है गर्मी से। थैंक यू गाइस यार मेरी पिछली वीडियो को इतना लाइक देने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम सब्सक्राइबर के इतने ज़्यादा व्यूज आ सकते हैं और इतने लोग देखने आते हैं मुझे, तो उसके लिए थैंक यू यार, आप मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे वीडियो सपोर्ट करते जाना ताकि मैं नई नई वीडियो बना सकूँ, उसके लिए मोटिवेशन आता रहे। स्कूटर, वैसे ज़िंदगी में मैंने एक ही बार स्कूटर चलाया था, वो भी तब जब पापा ने, मेरे जो डैड थे उन्होंने मुझे स्कूटर पकड़ाया था फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम मैंने उसके स्कूटर की बिजली मार दी थी। तो तब से मैंने कभी व्हीकल नहीं छुआ था। फिर उसके बाद जब मैंने ड्राइव तब किया जब मेरे ब्रदर की बाइक आई थी, तो उसको मैंने रेस करते हुए गेर दिया था और टू टेंथ मैंने उसकी बाइक गेरी अपने ब्रदर की, और अपनी बाइक मैंने कभी नहीं गेरी क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना सीख चुका था राइड करना, तो अपनी बाइक तो चांस ही नहीं मिला कि गेर पाऊँ। पर ब्रदर की बाइक बहुत गेरी है। आपको दिखाऊंगा वो कभी बाइक जिसके साथ मैंने कम से कम दो साल चलाई और दो साल में पता नहीं कितनी बार गिरी वो बाइक। चलो अभी थोड़ा पेट्रोल पंप भी बना लेते हैं। दो सौ दस का रेंज रोवर, अच्छी कार है ये वैसे।
हाँ हाँ बगल है रॉन्ग साइड को, क्या करें यार। पिंक बस, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं पिंक बस। तो ये सेक्टर 17 का बस स्टैंड है। एक्चुअली ये बसें यहाँ इसलिए खड़ी है बिकॉज जो अंदर बस स्टैंड था वो काफ़ी बड़ा है, बट COVID-19 के चक्कर में वहाँ पर सब्जी मंडी का रूप धारण करवा दिया है। तो यार ये बड़ा डिसपॉइंट लगा यार, यहाँ पर सब्जी मंडी में से समझ नहीं आया कि वो लगवाई, जबकि सेक्टर 38 वेस्ट वहाँ पर काफ़ी जगह थी, जबकि वहाँ पर मतलब कि इतनी स्पेस है कि दो बस स्टैंड बन जाए ऐसे बड़े बड़े, बट नहीं, वो जगह छोड़ के इन्होंने ये बस स्टैंड छोड़ दिया, चूज़ कर लिया और बस स्टैंड में सब्जी मंडी लगा दी। बट समझ नहीं आया मेरा ये फंडा क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इससे रोड पे बस ट्रैफिक ही लग रहा है और कुछ नहीं। चंडीगढ़ की एक ये बात खास लगती है कि यहाँ पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, मतलब यहाँ पर इतने पेड़ है कि इंडिया में इसको एक तरह से तो ग्रीन सिटी भी कहा जाता है, और ये काफ़ी अच्छा भी है, नेचुरल का फील आता है कि जैसे अगर सिटी में जाओ तो वहाँ बस पोल्यूशन ही का फील आएगा, बट चंडीगढ़ में इतना है नहीं, आप जिधर जाओगे वहाँ पेड़ दिखेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि इस सिटी में जो मतलब अपनी सिटी है चंडीगढ़ की, तो काफ़ी नेचर का ध्यान रखा जाता है।